भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, सीआईडी की टीम जाने वाली है एक रहस्यमय जंगल में, और उस जंगल में सीआईडी की टीम के ऊपर क्या क्या हमला होता है, कैसे कैसे हमला होता है और सीआईडी की टीम के साथ क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले सीआईडी के सीजन 2 के पहले एपिसोड्स में। जी हाँ दोस्तों, पहले दो एपिसोड जो है उसका नाम होगा रहस्यमय जंगल, और सीआईडी की टीम जो है उस जंगल में जाके कैसे खुद को बचाते हुए असली गुनाहगार को पकड़ती है, यही आपको देखने को मिलेगा सीआईडी के सीजन 2 के आने वाले पहले और दूसरे एपिसोड में। तो सबसे पहले अगर बात करें सीआईडी के सीजन 2 के टाइमिंग के बारे में तो ये रात 10 से 11 बजे तक आएगी दोस्तों, और ये सोनी लिव एप्लीकेशन पे भी आएगी। अगर आप मोबाइल पे सीआईडी देखना पसंद करते हैं तो सोनी लिव एप्लीकेशन पे जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। बहरहाल अगर मैं बात करूँ इन एपिसोड्स के बारे में तो दोस्तों, सीआईडी टीम का जो सीजन 2 है उसका जो पहला केस आता है वो ये आता है कि एक ऐसा जंगल होता है जहाँ पे अगर कोई एक बार चला जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। असल में दोस्तों उस जंगल में ड्रग्स और गन वगैरह की स्मगलिंग होती है, तो सीआरडी टीम जो है वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती, तो सीआरडी टीम उस जंगल में छानबीन करने पहुँचती है और सीआरडी की टीम मेंबर्स के ऊपर भारी भारी करके हमला होता है। तो सीआरडी टीम कैसे इस हमले से खुद को बचाते हुए असली गुनाहगार को पकड़ती है, असली क्रिमिनल को जो है पकड़ती है, यही आपको सीआरडी के सीजन 2 के पहले और दूसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों और कर लीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बहुत ही जल्द आ रहा है सीआईडी आपके घर। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कितने दिन से सीआईडी के सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं और आपका पसंदीदा सीआईडी अफसर जो है वो कौन है। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।